राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्थानीय शहीद भीमा नायक महाविद्यालय खेल मैदान में खिलाड़ियों का टैलेंट सर्च 2021 के लिए चयन प्रक्रिया की गई, जिसमें 12 से 18 वर्ष के बच्चों ने लगाई दौड़, वहीं खेल शिक्षकों ने लिया बच्चों का फिटनेस टेस्ट। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य खेल के 17 खेल अकादमियों में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा चयन में बड़वानी जिले से विभिन्न खेलों के 12 से 18 वर्ष के खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतिभा चयन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। रविवार जिला खेल अधिकारी रूप सिंह कलेश से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में विभिन्न खेलों में बच्चों द्वारा 540 पंजीयन किया गया है। वहीं 29 अगस्त, 31 अगस्त व 1 सितंबर को 3 चरणों में खिलाड़ियों का फिजिकल टेस्ट लिया जाना है, जिसमें 175 खिलाड़ियों का फिजिकल टीचरों द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है। वहीं चयन के बाद चयनित खिलाड़ी संभाग स्तरीय चयन के लिए इंदौर जाएंगे, वहीं वहां से चयनित होकर भोपाल के बाद एकेडमी में जाएंगे। फिटनेस टेस्ट में 600 मीटर की दौड़ में कई खिलाड़ी थक कर गिरे, जिन्हें अटेंडरों द्वारा उठाकर रिलैक्स करवाया गया। रूप सिंह कलेज, जिला खेल अधिकारी बड़वानी। सर आज क्या क्या किया जा रहा है कॉलेज परिसर का? ये भोपाल में स्थापित 17 खेल अकादमियों के लिए 12 से 18 साल के बालक बालिकाओं का टैलेंट सर्च लिया जा रहा है, जिसमें फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया है। यह प्रतिदिन 540 खिलाड़ियों ने इसमें पंजीयन कराया है और यह 29, 31 और 1 तारीख तक चलेगा, जिसमें जिले भर से सभी पंजीयन किए हुए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और आज शाम तक 175 खिलाड़ियों को बुलाया है, जिसमें 175 का शाम तक टेस्ट हो जाएगा और अगला टेस्ट जो 31 को आयोजित है उसमें भी 189 प्रतिभागी भाग लेंगे और आखिरी तारीख 176 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस तरह से यह फिजिकल टेस्ट आयोजित किया है। इनका चयन होने के बाद क्या होगा? चयन होने के बाद इंदौर जाएंगे और इंदौर से भोपाल जाएंगे राज्य स्तर पे, वहाँ पर अंतिम फाइनल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें चयनित बालक बालिकाएं एकेडमी के लिए चयनित किए जाएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।